चंडीगढ़ से एक स्कूल दे विच एक पेड़ डिगण नाल एक बच्चे की मौत हुई है और 12 बच्चे जख्मी होने की सूचना है। असी समाणा शहर से इनू मौके पर हर स्कूलों के अते शहर के विच देखा गया कि शहर के अंदर कुछ बरक्स जिहड़े पेड़ हैं वो बाजारों के बीच हैं जिथे वो किसी टाइम भी हादसा कर सकते हैं, कमज़ोर जड़ा हो चुके हैं, सूख गए हैं। उसकी शिकायत वन विभाग के नगर कौंसल में भी की गई है और असी सरकारी कन्या हाई स्कूल के खड़े इतने भी एक पीपल का पेड़ खड़ा है जिसकी हालत भी कमज़ोर है और एक किसी टाइम ये भी हादसा कर सकता है चंडीगढ़ जैसा। असी प्रशासन तो वन विभाग को अपील करते हैं कि इसकी तुरंत मंजूरी दी जाए ताकि इस तरह का हादसा चंडीगढ़ जैसा कहीं ना हो, किसी स्कूल से ना हो और शहर के बाजारों के जो दुकानदार हैं या कोई भी कारोबार लंघन बाजार लंघन वाला है किसी का भी जानी माली नुकसान ना हो, इसलिए प्रशासन को सुचेत होने की लोड़ है। सुभाष भल्ला जी मेरा नाम है। पोजिशन तो बड़ी माड़ी है, 2 साल पहलों म्यूनसिपल कारपोरेशन सारे मार्केट के साइन करा के पीओ साहब को देती सी, पीओ साहब बदल गए, उस तो बाद फिर कार भी चलती रही। मेरा ख्याल कोई भी मैंबर म्यूनसिपल कारपोरेशन का नहीं होगा जिसे को नहीं गए सी, बार बार एप्लीकेशन देते रहे, कोई सुनवाई नहीं। फिर जी 1 साल पहलों मतलब तकरीबन कर वाला टांग जरा गिरया है, बहुत ही खस्ता हालत सी, बचाव हो गया, राती गिरया है, बचाव रह गया, मेरा काफ़ी जानी माली नुकसान होता। उस तो बाद तुसीं लाओ मेरा ख्याल एक महीने की गल है जी, वो साइड से टांग सी बड़ा व्डा, दोबारा फिर जाके म्यूनसिपल कारपोरेशन ने गेड़े मारते रहे करते रहे, फिर असी कारपोरेशन वाले कहते जी तुम वन भवन जाओ उतने भी एप्लीकेशन, वन भवन तरखा दी नंबर ला गए हो जी, इन्हें नंबर लाया हुआ कहते असी पटियाले भेजती थोड़ी सारी कार्रवाई करके पटियाले एन ओ सी आ जाएगी। फिर सानू अंदाजा मेरा ख्याल 6 महीने हो गए वन भवन दी, 3 महीने पहले नंबर ला गए जी इतने आके नंबर ला गए। चंडीगढ़ में हादसा हुआ स्कूल के अंदर, हाँ जी हाँ, बच्चा मर गया, 12 बच्चे पेटा गिरने नाल स्कूल में जख्मी हुए हैं। इस तरह मैं तो जो बड़ा टान गिर मैं तुम्हें तो दिखाना मूवी वो देखो, इतने कार खड़ी से अपना साधु राम ज्वैलर और लीडर बुला लो मुंडे वो कार बड़ी मुश्किल बची है, सामने गोलगप्पे रेहड़ी दिखा रहे सन लोग वो बचने उधर घट्टो घट ही 5-7-10 बंदे मर सकते हैं जेहड़े हिसाब ने इतने रश रहा बाजार के कोई कार भी नहीं, असी तुरंत यदा फायदा की जे मैं इनू पुट के नवा लगया जाए हरियाली निम नवी लगाई जे यदा फायदा की नुकसान ही नुकसान है। देखो हम भी किसी टाइम भी ये गिर सकता है जानी बल जो दरख्त खड़े गांधी ग्राउंड के नेड़े दुकाना के मोड़ पर लोग लंघते हैं बढ़ते हैं, हाँ जी की हो सकता है माड़े हालात, इसके माड़े हालात इन्ने कह जी किसी भी टाइम कदों भी गिर सकता है, सारे पासे तो फटिया हुआ है। इसका फॉरैसट च भी म्यूनसिपैलिटी भी एप्लीकेशन दी भी है, वो कहने असं आवेंगे, कार्रवाई कोई हो ही नहीं हजे तक, ये कोई हो गया 1.5 साल हो गए। म्यूनसिपैलिटी वाले कहने जी असं अगे देती जी एप्लीकेशन, असी देखते हैं जी करते हैं जी, साढ़े हक च नहीं है जी, जो होएगा असी करता की हो सकता है। बरसात का मौसम है जी, नेरी आ सकती है जी, किसी का भी नुकसान हो सकता है, जानी मानी कुछ भी नुकसान हो सकता है। भीड़ भड़के वाला बाजार है जी, 24 घंटे चलने वाला बाजार है, किसी की भी हालत हो सकती है, कोई भी बच्चा कोई होर बड़ा। स्कूल दे जिस तरह दरख्त डिगण नाल एक बच्चे की मौत हुई है, 12 जख्मी हुए हैं। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1-2 ਵਾਰੀ ਟਾਣਾ ਗਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਚਾਓ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੇੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ ਜਦ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਪੇੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਟਹਿਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰੇ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ,
उसे भी प्रोपर कार्रवाई करके जंगलात महकमे कार्रवाई करने भेजा। देखो जी, जो भी साड़ियाँ बीटा तो साढ़े नाल संबंधित होंगे ने उन्हां दे असीं टाइम टाइम पर अपनिया सुके डिगियां दी लिस्टां बना सकते हैं और वह बना के भेजते हैं समय समय से। अज तो पहला किन्ने जिहड़े दरख्त कमजोर थे उन्होंने लिस्टां भेजियां? देखो जी, जो भी बीट स्टिप ते आना असीं उन्हां दीआं मतलब लिस्टां बना के भेजते हैं। जिहड़ी भी बीट स्टिप दे विच जिवें किलोमीटर छेड़ लिया, यह नहीं भी छड्डने जां कुछ ना लावा डे सिरे तक ला के आपदे करके भेजते हैं जो भी हिदायतां मुताबक ने। तो बाकी ये आ भी साढ़े वालों लिस्टा बनाईया भी जांदियां ने पर लेकिन उपर कटदियां नहीं हैगियां क्योंकि बाजार दे विच मन लो लक्कड़ दीआं कीमतां घट गई क्योंकि अज जिहड़ा सारा ही जो लक्कड़ दी अगे जो मान लो कोठियां च लगदी हुंदी थी दरवाजे भी अलूमीनियम दे जां सिल्वर दे होण लग गए, ईवन तां कि बालियां दा मतलब लैक्टर चल पिया सारा सिस्टम गेट भी लोहे दे जां फिर दूसरे पासे मन के चली अगे ढुल्लियां दीआं फटियां हुंदियां तां ईवन वह भी लोहे दीआं चल पईआं क्योंकि ट्रेंटे इन्ना खत्म हो गया मतलब बिल्कुल दुनिया का सिस्टम बदल गया। जिहड़ा बालण आ हुण ईवन बालण भी नहीं मतलब लोगों का बिक रहा है, वह भी ज़्यादातर गैस होण करके लोगों का रुझान उधर हो गया। तो ईवन कि लोहे के सुहागे ला लो ज होर आ जिते कोई लक्कड़ मतलब वरतों यूजिंग थी अच्छ बदल चुकी है बिल्कुल ट्रेंट बदल। जो कमजोर जड़ा है उस पेड़ की हालत है भी गिर सकते हैं हवा तेज चलने वाली या किसी तरह हादसा हो सकता है उन्होंने हूँ तुम फिलहाल मतलब कि मान लो कार्रवाई चल रही है? देखो जी, मान लो जी हूँ तेज़ हवावं जो चलनिया ये एक पोल खोल दिया परमात्मा तो आपू हूँ पहला हूँ यह नहीं पता लग सकता भी ये दरख्त गिरूगा ज कुछ आ। देखो गिरन तो बाद ही पता लग सकता जां हाँ ठीक है आपां जो सुक गया जां डिग गया तां ही लिस्टां असीं बना सकते हुंदे आ उहनां दीआं बणाउंदे आ। ते असीं पहलां हरे रुख दी जां होर उवें लिस्ट बणाउण दी सानूं कोई प्रवानगी नहीं हैगी, असीं नहीं बना सकते हैगे बिल्कुल मतलब हरे रुख दी। मान लो कई वारी इह वी हुंदा वी पत्त झड़ दे विच रुख दे पत्ते झड़ जांदे ने उह ऐं लगदे ने वी सुक गए। गांधी ग्राउंड दे कोल इक पेड़ खड़ा है उह बिल्कुल सुक्के टहिणे पए आ, मतलब किसी टाइम भी उह हादसा कर सकदा है। तो पहले कुछ थोड़े को मैं पहले भी छः महीने पहले भी मसला थोड़े ऑफिसर के ध्यान से लाया था लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो जी, जो साढ़े को जड़े ने शहर के नगर कौंसल के अंडर आते हैं उन्होंने प्रोपर्टी है ये, जो भी सानू मौके मौके पर वो ये संबंध के ऊपर डी एफ साहब न लिख के भेजते हैं, असी उन्होंने नंबर के मुताबिक असैसमेंट ला के अपने उपर दफ्तर में भेज दें। कोई कुछ पिछले समय में किन्ने के पेड़ कटवाए होंगे तुम गिरवाए या जो कमजोर से गिरवाए कोई सड़क पर कहीं कटवाएंगे? ये शहर के पुछ रहे हो शहर या पिंड शहर सड़क पर? देखो जो सड़क तो साढ़े डिपार्टमेंट दियाँ ने देखो असी वो कटवा रहे हैं और कटवाई लिस्टा भेजी जाने और मौके मौके पर ऑप्शनल होकर बिकदिया ने क्योंकि अज स्थिति ये आ गई साढ़े जो सरकारी रेट ने वो कुछ वध ने क्योंकि मार्केट के खरीदने वाले ठेकेदार ने देखो पल्यों का कोई पैसे भरता नहीं है, इन्ना पागल का कोई नहीं है, एक बार घाटा पाजू दो बारी पैजूगा भी हरेक टोए च जाके गिरूगा बार बार नहीं कोई गिरता है। इस करके साढ़े जो कटाई वाला सिस्टम आ असी भी उपर अपने अफसर भी मतलब बहुत सारे असी अपने पीसीसी अफसर साहब भी मंग की इस चीज़ की मेरे मैं ब्लाक अफसर हाँ एजे समाणा ते पातला मेरे को दो ने असी आपदे इस चीज़ की सानू फुल समस्या मतलब ये एक चीज़ की मान लो लिस्टा बना के साड़ियाँ ना कटन ते भी क्योंकि उत्थे सिर्फ प्राइवेट ठेकेदार ही कटन वास्ते आउंदे ने, उहनां नू दिखदा जदों भी सानू इन्हां चीज़ां च घाटा पैणा वह नहीं लैंदे हैगे। देखो उस चीज़ च घाटे दे तौर दे उत्ते देखदे हुए ते साडे जिहड़े लिस्टा ने कई बार कई कई साल एवें खड़ियां रहिंदियां ने। कैमरामैन बीके गर्ग दे नाल पुरशोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।